हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। डियर व्यूअर्स, आज हम भारत में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य के एक ऐसे जिले को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहां से उत्तर प्रदेश के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ का निर्वाचन क्षेत्र है। एक ऐसा स्थान जहां पे पुलिस के अत्याचार से गुस्साए 2000 लोगों की भीड़ ने चौरा चौरी के थाने में 19 पुलिस कर्मियों को दिन दहाड़े फूंक दिया। प्यारे दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्थित बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर की। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 270 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर का नाम महान संत गोरखनाथ जी के नाम पे रखा गया। इनकी साधना स्थली गोरखपुर में ही स्थित है। डियर व्यूअर्स, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, मेरे चैनल टूर विद अंशिमा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। गोरखपुर की कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से 44,40,895 है और यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो 27,328 है। गोरखपुर की तहसीलों की बात की जाए तो नंबर 1 पे सदर, नंबर 2 कैंपियरगंज, बांसगांव, खजनी, चौरी चौरा, सहजनवा, गोला आदि शामिल हैं। गोरखपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास गोरखपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। ये जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है। गोरखपुर जिले की सीमाएं पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर से, पश्चिम में संत कबीर नगर से, उत्तर में महाराजगंज एवं सिद्धार्थ नगर से तथा दक्षिण में मऊ, आजमगढ़ तथा अम्बेडकर नगर से लगती है। डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं गोरखपुर के प्रमुख मंदिर और पर्यटन स्थलों के बारे में। नंबर 1 पे गोरखनाथ टेम्पल। इस मंदिर के जिक्र के बिना गोरखपुर अधूरा है। ये नाथ संप्रदाय का सबसे सम्मानित मंदिर है। ये मंदिर संत गोरखनाथ को समर्पित है। उन्होंने पूरे देश में मानवता और योग का प्रचार किया। वह धर्म से जुड़े अपने कार्यों के लिए मध्ययुगीन काल के दौरान एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। इस संत के नाम से इस शहर का नाम पड़ा। 11वीं शताब्दी में गोरखनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर परिसर में संत के मंदिर, उसके कदम और उसके सिंहासन है जहां वह योग का अभ्यास करते थे। मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान सभी भक्तों को यहां भोजन दान दिया जाता है। वर्तमान में यहां मुख्य पुजारी योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने बाबा गोरखनाथ के पदों पर चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। मंदिर के परिसर के अंदर एक कृत्रिम तालाब भी स्थित है। नंबर 2, गोरखपुर का पुरातात्विक संग्रहालय यानी गोरखपुर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। सन 1957 में स्थापित यह पुरातात्विक संग्रहालय इतिहास, नियम, संस्कृति, परंपराओं और पिछले और वर्तमान गोरखपुर के पुरातात्विक निष्कर्षों को चित्रित करता है। यह सबसे प्रसिद्ध स्थानीय संग्रहालय है। गोरखपुर पर्यटन स्थल है और हर समय यहाँ भीड़ रहती है। ये गोरखपुर के भारतीय इतिहास विभाग, पुरातत्व और संस्कृति के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की देखभाल में है। ये विश्वविद्यालय परिसर में ही है। इसके अंदर संरक्षित कलाकृतियों में प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, पत्थर के उपकरण, आयु के पुराने आभूषण और यहाँ तक कि टिकट भी शामिल है। अगला जो स्थान है, इसे गीता प्रेस के नाम से जाना जाता है। गीता प्रेस को वर्तमान में हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों को प्रकाशित करने की दुनिया की प्रमुख प्रेस होने का गौरव प्राप्त है। ये 1923 में जया दलाल गोयंका और घनश्याम दास जलान द्वारा शुरू किया गया था। उनका मुख्य आदर्श हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बढ़ावा देना था। उन्होंने पवित्र गीता और इसकी व्याख्याओं, पवित्र महाकाव्य रामायण और महाभारत, पुराण, उपनिषद और विभिन्न संतों और गुरुओं के कार्यों को भी प्रकाशित किया। ये सभी साहित्य अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित हैं और इसे बेचा गया। यहाँ पर्यटक हिंदू धर्म की सभी धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथ देखने और खरीदने आते हैं। अगला जो स्थान, इसे सूर्यकुंड टेम्पल यानी सूर्यकुंड मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर नगर के एक कोने में रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर भव्य सूर्यकुंड मंदिर है जहां भगवान श्री राम ने विश्राम किया था। ये मंदिर 10 एकड़ में फैला हुआ है।
अगला जो स्थान इसे कुसमी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। कुसमी वन साल पेड़ों का घना जंगल है। ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरे जंगल बुद्धिया माई नामक एक पिकनिक धार्मिक स्थल भी है। जंगल के भीतर अन्य आकर्षण विनोद वन पार्क और एक चिड़ियाघर है। अगला जो स्थान इसे बिंदवासनी पार्क के नाम से जाना जाता है। बिंदवासनी पार्क कौवा बाग कॉलोनी में स्थित है। यहाँ अपने कैमरे को ले जाना ना भूलें। बिंदवासनी पार्क गोरखपुर के लोगों और पर्यटकों के लिए व्यस्त सप्ताहांत के बाद शरीर को ताजा करने और आराम करने का एक अच्छा तरीका है। दिलचस्प विषयों, शानदार डिजाइन, रंगीन परिदृश्य, मनोरंजक पात्रों और परिवेश संगीत का ये बेहतरीन संगम है। बच्चों और परिवार के साथ यादगार समय गुजारने के लिए एक अच्छी जगह है। अगला जो स्थान इसे नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है। नेहरू पार्क गोरखपुर के लल्डिगी इलाके में स्थित है। ये गीता पीर के बगल में ये पार्क फौहारे और चमकदार बहुरंगी रोशनी वाला होने के कारण बहुत ही प्रतिष्ठित और सुंदर दिखता है। इसके शांत परिवेश और सुंदर हरियाली में आपको दिन भर भाग दौड़ के बाद शाम में एक अच्छा टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। ये स्मारक स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन और स्मृति को समर्पित है। ये क्रांतिकारी मणिपुरी और ककोरी षड्यंत्रों ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ संघर्ष में सबसे आगे था। पार्क में बच्चों के लिए विशाल लॉन, पिकनिक स्पॉट और कई आकर्षक चीजें मिल जाएं। सो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने गोरखपुर जिले के बारे में संपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप वीडियो को किस शहर या किस प्रदेश से देख रहे हैं। अगर आपको भी आपके प्रदेश या शहर का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करके ही जाइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।